ओके, मैं सुसैन आप लोग का स्वागत करता हूँ इस ऑपरेटर के लेक्चर में। तो आइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर को देखा, आज किसको देखेंगे? असाइनमेंट को। फाइन, सो ज़रा देखें कि असाइनमेंट कैसे कहता है कि मैं बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम करने वाला हूँ इसमें, जिससे आप लोग असाइनमेंट को समझ सके। ये ज़रा देखें कि ये जो प्रोग्राम है, ज़रा मैं इसी पे दिखाने वाला हूँ, मैं जरा इसी को दिखाने वाला हूँ। a इक्वल टू प्लस a प्लस वन, ये जरा देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि मैं a में जोड़ के रख रहा हूँ किसको, a प्लस वन को। तो ज़रा मैं यहाँ पे a को प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ, प्रसेंट d कॉमा a, रन कराया। देखिए अभी मैंने 5 लिखा तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 6 मिल गया। ये ज़रा देखिए अब इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, प्लस करो और रख दो, समझ रहे? इसको बोला जाता है कि ये एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट। हाँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें से घटाना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ तो क्या डालूंगा, माइनस इक्वल टू। मैं 5 दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वाह, 6 दूंगा क्या मिलेगा, 5। अगर मैं चाहता हूँ कि गुना कर लूँ तो मैं 1 से क्यों गुना करूँ, 3 से कर, 2 से कर देता हूँ। चलो, तो जब मैं ए में डालूंगा, यानी कि ये शॉर्ट तरीका है करने का, है ना। देखो 5 दे इधर, कितना मिला, 10, दिख रहा है? अगर मुझे डिवाइड करना हो तो डिवाइड इक्वल टू, दिख रहा है, रन करा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला, 2, ठीक है। ए में 10 दूंगा तो डिवाइड करके कितना देगा, 5, समझ रहे? अगर मैं मॉडुलस कर दूं तो ए में मैं 5 दिया, तो ए में अगर मैं 5 देता हूं तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1। अगर मैं ए में 4 देता हूं, ओ आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके रन किया। अगर मैं 4 दूंगा कितना मिलेगा, 0, क्योंकि ये रिमाइंडर परफॉर्म करता है, ऑलराइट, यस। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर, जनरली इक्वल टू भी है उसी को भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, आप लोगों ने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर को बता दूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में भी दो होता है, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। और उसके अलावा इधर भी होता है कौन, डिक्रीमेंट में भी, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो देखिए जरा वो कैसे होता है, अगर मैं पोस्ट का करूँ तो बाद में बढ़ाएगा, ठीक है, और प्री का करूँ तो पहले बढ़ा देता है वो। देखो रन करूँगा मैं, क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं करता, तो यहाँ पर करूँगा तो थोड़ा दिखेगा, समझ में आ जाएगा, रन कराया। चलो, क्या मुझे आउटपुट मिलने वाला है, प्लस प्लस तो कर दिया था मैंने, मगर फिर भी क्या मिला, 5। ये कह रहा है कि पहले बढ़ा दो फिर असाइन करो, पहले बढ़ा दो फिर असाइन करो। तो ये बढ़ाया नहीं, यहाँ पे देखिए जरा क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, बढ़ाया तो नहीं यहाँ पे, बढ़ाता तो हम क्या चाह रहे हैं कि पहले क्या करो, बढ़ा दो फिर असाइन करो। तो ए में अभी क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेम उसी केस में माइनस में भी होगा, देखो इसमें 5 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 4, यानी पहले ऑपरेशन करेगा फिर वो। अब इसमें तो जैसे है वैसे ही, ठीक है, हाँ, जस्ट इसको अगर ऊपर करते ऊपर वाला लाइन पे तो ये मुझे वैसा दिखाता, ठीक है, समझ गए। अच्छा, मैं वैसे करके दिखाता हूँ, किसे दिखाता हूँ, अगर इसको मैं ऊपर रखता ना तो वो ऑपरेशन उस तरह से दिखता, ठीक है। मैं इसी लाइन पे सारा काम कर दे रहा हूँ, तो इस वजह से बाद में वो बढ़ रहा है। और प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री क्या कर दे रहा है, पहले इंक्रीमेंट कर रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में कर रहा है, ठीक है ना। वही सेम केस यहाँ पे था,
तो चलिए ये देख लिया आप लोगों ने इंक्रीमेंट को भी, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर बता दिया था मैंने। टर्नरी ऑपरेटर जो है ना एक्चुअली कैसा है, वो टर्नरी ऑपरेटर इफ़ के तरह ही काम करता है। मान के चलो कि मैंने दिया है कैसा, ए ए ग्रेटर देन बी है ना, और ये और ये सेमी कोलन, ज़रा समझिए इसको। मुझे बी को भी लेना पड़ेगा, ये इफ एल्स के ही तरह काम करता है जनरली, प्रेजेंट डी एंड प्रेजेंट डी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखने वाले इसमें प्रिंट एफ यस, और इसमें प्रिंट एफ, हाँ इसको टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें तीन ऑपरेंड हो रहा है, दो ही ऑपरेटर है, ठीक है। और अगर बड़ा होगा तो यस दिखाएगा और छोटा होगा तो नो दिखाएगा, रन किया 5 एंड 4 यस, ठीक है, और 4 एंड 5 नो, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि अगर कंडीशन सही होगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला ब्लॉक है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन गलत हुआ तो ये जो कॉलन दिख रहा है उसके ब्लॉक को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने किसको देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर को, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और साथ में हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर को भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, थोड़ा अब कंडीशंस को देखेंगे, इफ एल्स को देखेंगे, उसके बाद लूप को देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें एक बीट वाइज ऑपरेटर बचा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बीट वाइज ऑपरेटर भी यहाँ पे बता दूँ। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बीट वाइज ऑपरेटर की बात करूँगा, ओके।